देश भर में डीजल पेट्रोल के बढ़ते कीमतों को लेकर आज पखांजूर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत विश्वास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जब देश के लोगों को सबसे ज्यादा सरकार से मदद की आवश्यकता है, तब केंद्र की भाजपा सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर महंगाई बढ़ाकर आम लोगों की आर्थिक कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज पूरे भारत में नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाया गया, उसमें किसान मजदूर गरीब काफी आक्रोश है और जिसके चलते आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की ओर से हर मुख्यालय में, हर ब्लॉक में उनके विरोध में प्रदर्शन किया जाना जा रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की जो दर है वो आसमान पर छू गए, जिसमें किसान मजदूर बहुत परेशान हो चुका है, जिसके चलते हम आज उनकी भावनाओं को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ में हम लोग उनकी शव यात्रा को निकाले, उसके शव को जलाए और पार्टी की तरफ उसके खिलाफ में नारेबाजी भी की। ये अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अगर जल्द से जल्द अगर डीजल पेट्रोल के दाम कम नहीं होती है तो पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। डीसीबी 24 न्यूज के लिए पखांजूर से बिप्लव कुंडू की रिपोर्ट।